अस्सलाम वालेकुम, मेरे तमाम मेल्स को टीम थंडर रूसर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक के पर आया हूँ जो मैं आज एक्सपोज करूँगा एक, और ये बहुत से लोग इसका शिकार हुए हैं ऑनलाइन कंपनी। दोस्तों पे डायमंड स्कैम एक्सपोज इन पाकिस्तान, मतलब ये तो हम एक्सपोज कर रहे हैं उसको, पे डायमंड एक कंपनी जो फ्रॉड कर गई। दोस्तों हमें इसका काफ़ी नॉलेज मिला है और काफ़ी देर से मैं इसका नॉलेज तलाश कर भी रहा था और मुझे मैं खुद भी इसका शिकार हुआ हूँ। दोस्तों पे डायमंड नामी कंपनी जो डायमंड का काम अपना शो करती थी, असली में ये ब्राज़ील की कंपनी थी। तो दोस्तों इस ब्राज़ील कंपनी को पाकिस्तान में लाने वाला सलीम भट्ट जो बहुत ही मशहूर एक फ्रॉड मैन है, बहुत बड़ा फ्रॉड या सलीम भट्ट उसका नाम है। दोस्तों पे डायमंड का जो पीछे बैकअप का वो कुछ भी नहीं सिवाय इनकी बातों के, इनके कहने के मुताबिक इनका लाहौर के अंदर मुस्लिम मकाम में ऑफिस था। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, मैं तो बात करूँगा इनको, टोटल एक्सपोज करूँगा आज मैं इनका, मैं ईचा पीछा अल्ट्रासाउंड करके मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसका बताऊँगा। तो दोस्तों चलते हैं मैं अपने हम वीडियो की तरफ। दोस्तों इनका काम ये था कि ये लोगों को प्रॉफिट का भाग दिखा के उसमें से पैसे बटोरते थे। दोस्तों मैंने इसका खुद भी काफ़ी इसकी स्लाइड्स वगैरह मेरे पास आई, तो मैंने इनके लेक्चर लिए इनके ऑफिस मुनमार फील्ड लाहौर के अंदर इलामा इकबाल टाउन किसी का। दोस्तों इनके स्लाइड के मुताबिक जैसे कि अब मैं आपको थोड़ा सा अपनी यानी इनकी स्क्रीन शॉट्स वगैरह में दिखाऊंगा। दोस्तों इसके अंदर मेरी अपनी भी 3 से 4 लाख रुपये पेमेंट लगी थी। बहरहाल उस टाइम हम इनके सब भाग में आ गए थे दोस्तों। तो दोस्तों मैं पहले वीडियो को शुरू करने से पहले प्रॉपर मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि ऐसे किसी कंपनी पे अपने भरोसा नहीं करना, ये टोटल फ्रॉड होती है, ऑनलाइन कंपनी टोटल फ्रॉड है। दोस्तों पे डायमंड का जो इनका था कुछ मैं आपको जिस तरह के दिखाऊंगा कि पे डायमंड में मुख्तलिफ तरह के इन्होंने बनाए थे पैकेजेस कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आपको 2.5 गुना से 3 गुना ये देंगे। दोस्तों इनका जो पैकेज था वो डॉलरों के अंदर था, इनका डॉलर चाहे आम डॉलर यूएस डॉलर 120 का हो चाहे 150 का हो, इन्होंने अपना डॉलर जो था वो इन्होंने अपना फिक्स किया हुआ था 110 रुपये का। तो दोस्तों जब 110 का डॉलर इन्होंने शो किया तो उसके बाद क्या होगा कि आप लेंगे भी 110 पे और देंगे भी 110 पे। ये एक अकाउंट खोलते थे, इसके स्क्रीन शॉट मेरे पास भी हैं काफ़ी जो मैं आपसे शेयर करूँगा आगे थोड़ी देर तक। दोस्तों इनका पैकेज था, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि 22,000 रुपये का इनका कम से कम पैकेज था। उसमें $20 वीकली मिलते थे, यानी 50 हफ्तों तक प्रॉफिट कहते थे मिलेगा। और दोस्तों वो डॉलर आते भी थे लेकिन वो डॉलर कैश नहीं होते थे, ये खुद ही आपस में लेन देन उसके डॉलर लेके उसको दे दिए और उसे कैश दे दिए, यानी ये खुद ही कर रहे थे आपस में कमाटो जिसे हम कहते हैं यानी फ्रॉड। तो दोस्तों अब इनका एक 22,000 का पैकेज था, एक 44,000 का पैकेज था और एक था $1,200 का यानी 1,32,000 का, फिर 3,96,000 का, यानी जो भी करें ये आपको 50 हफ्ते में उसका 2.5 गुना करके देते हैं। करते देते थे उन्हें सिर्फ फर्स्ट भाग दिखा के, पहले 2 हफ्ते किसी को पैसे दे दिए तो वो समझ सकता कि पता नहीं इससे बड़े कोई चीज़ है ही नहीं। तो दोस्तों ये कंपनी में फ्रॉड करने वाले बंदों के मैं नाम आपको अभी शो करता हूँ। नंबर 1 बिलाल जहूर, जो इनका जो 1,30,00,000,000,000 का घपला करके भाग चुका है। और दूसरा नाम मियाँ नदीम भट्ट, मियाँ डॉक्टर नदीम अब्बास, नदीम अब्बास, उसके बाद ये नदीम अनवर, उसके बाद फाहद, उसके बाद अली सुलेमान, उसके बाद मियाँ शहजाद, उसके बाद सलीम भट्ट, उसके बाद मियाँ इजाज़ जो इसका मेन ग्रोह है। मियाँ इजाज़ का भी 2 अरब का घपला करके वो भाग चुके हैं और ये अब फिर नहीं कर रहे हैं, नैब के अंदर भी केस चल रहा है इसका, नैब ने इसको पकड़ा है। दोस्तों मैंने खुद भी नैब में दिया, किसी को अगर प्रूफ चाहिए कि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकता है वो, मैं उसको नैब का दिखाऊंगा, मेरी पूरी डायरी नंबर लगी है उसके ऊपर जो हम विक्टिम वगैरह सारे थे, यानी हमने इनके शिकार हुए हमने किया, अब देखो नैब कर दिया कि नहीं। क्योंकि दोस्तों मुझे यहाँ तक भी इसका नॉलेज है कि नैब ने मियाँ इजाज़ को नदीम भट्ट को पकड़ा था और उन्होंने उनको पैसे दे के छोड़ा भी है FIA साइबर क्राइम ने। दोस्तों आपको पता है कि पैसे से क्या इंसान कुछ नहीं कर सकता, इन्होंने भी इसी तरह की है लोगों के कपड़े करके लोगों के पैसे लेके ये भाग चुके हैं। दोस्तों मैं कुछ आपसे स्लाइड शेयर करूंगा, जैसा कि आप देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा इसमें से गाइड करके बताता हूँ। दोस्तों ये देखिएगा,
दोस्तों ये है इनका, ये देखें ये इनका फ्लैटी में प्रोग्राम हुआ था दोस्तों, मेरे पास पूरी वीडियो है और इंशाल्लाह ताला दोस्तों मैं अगली वीडियोस के अंदर अगले यानी अपने इस वीडियो पे डायमंड पार्ट टू, ये मेरा पार्ट वन है, पार्ट टू के अंदर मैं तमाम डाटा इसमें इंशाल्लाह ताला अपलोड करूंगा और इनके खिलाफ इंशाल्लाह ताला तमाम मिलके हम यूनिटी एक होके इनके खिलाफ इनसे पैसे वापस लेंगे। दोस्तों ये पे डायमंड का लोगो था, वेबसाइट थी www.paydiamond.com और ये इसका 25 हफ्ते बाद कार्ड का ड्रामा था कि 25 हफ्ते बाद ये आपको डायमंड देते हैं दोस्तों, फेक सब फेक। दोस्तों ये है मियां नदीम अनवर जो हमारी टीम का लीडर था और ये भी फ्रॉड कर चुका है और इसके साथ भी फ्रॉड हुआ है, यानी देखिए ना ये एक लाइन वाइज चेन वाइज थी कि इसके उसका वो लीडर है, इसका वो लीडर है, ये मेरा लीडर है और हमारी टीम में इसने भी कम से कम 1 करोड़ का घपला किया है। दोस्तों अब नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि इसमें आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये कुछ बंदों के और भी हैं। अच्छा दोस्तों ये देखिए कि कंपनी का लोगो था पे डायमंड के नाम से। अच्छा दोस्तों ये पाकिस्तानियों ने ये शहजाद अजीज साहब से, शहजाद ये UBL के ब्रांच मैनेजर भी है, ये इन्होंने बनाया था। दोस्तों ये देखिए पे डायमंड में खास कर ये माउस चला रहा हूँ, पहला $200 का पैकेज 22,000 का, वीकली $10 मिलते थे और टोटल बोनस मिलता था 200 के बजाय 500। दोस्तों जिस तरह की अभी पढ़ सकते हैं ये सारा इनका था और ये मैं वीडियो में आप स्टॉप करके जरूर पढ़िएगा। दोस्तों ये है मियां एजाज जो 1 अरब 30 करोड़ का कपड़ा कर चुका है और दोस्तों इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ, ये गुजरा वाला का चिमची वाला था और ये फ्रॉड करके भाग गया है। दोस्तों ये है शहजाद अजीज, ये भी बहुत बड़ा एक डिफॉल्टर था इसके अंदर, ये भी काफी लोगों की रकम भागे हुए हैं। दोस्तों ये है ये माउस कर रहा हूँ, ये है फहीम अंजम। दोस्तों ये देखें पे डायमंड ये सबूत के तौर पे FIA, आप खुद ये याद रखिएगा साइबर क्राइम, अगर मेरा अगर भी बंदा साइबर क्राइम का देख रहा है तो ये देखिएगा पैसे सामने रखे, ये एडिट नहीं है, 100% पिक है, इन बंदों को मैं जानता भी होगा किसी को रब्ता करना है, नंबर भी है मेरे पास इनके। दोस्तों ये देखिए फ्लैटी होटल के अंदर जब इनका था तो ये देखें ये जिसपे मैं अब माउस चला रहा हूँ ये है बिलाल जहूर और दोस्तों ये है मियां एजाज और ये है शहजाद अजीज, दोस्तों ये है डॉक्टर अजीम बट और ये बाकी इनके नाम ये है जदी, ये सारे फ्लैटी होटल 28 मार्च 2018 को हो चुका है, ऐसी वीडियो भी मैं चलाऊंगा भी। दोस्तों ये था पे डायमंड का, उसके अलावा ये देखे दोस्तों ये है शहजाद अजीज साहब ने बिलाल क्योंकि एक बड़े हैं लीडर थे लेकिन फ्रॉड कर चुके हैं। दोस्तों ये स्क्रीन शॉट है उनके अकाउंट बैलेंस के वगैरह वगैरह। दोस्तों ये देखें इस तरह बैलेंस आता था ऐसा, ये इन्होंने खुद खुद बनाई थी वेबसाइट, ये देखें इसका था पहली वैल्यू लाइट पैकेज था, उसके बाद दोस्तों ये था ये इन्होंने इसका पंफलेट छुपाया था डॉक्टर नदीम भट्ट ने, ये देखें पूरा बायनी बोनस ये। दोस्तों आप वीडियो स्टॉप करके जरूर पढ़िएगा, ये मैं इसको यहाँ खुद मैंने स्टॉप किया दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों ये इसकी पैकेज की डिटेल थी कि पहला $200 का, दूसरा 400, तीसरा 1200, 3600। दोस्तों ये था इनका लाइट पैकेज, मुख्य टूर वगैरह भी ये देते थे अपने से और दोस्तों इन्होंने बहुत से लोगों का नुकसान किया है। दोस्तों ये देखें ये बिलाल जहूर और ये दूसरा ये हमारा लीडर था, इसके खिलाफ ही FIA अभी एक्टिव है, डॉक्टर इसका नाम है मियां नदीम अनवर, सॉरी। अच्छा दोस्तों ये देखें ये फ्लैटी में जब हुआ था तो इन्होंने पंपलेट लगाए थे वहाँ फ्लैक्स है। उसके अलावा ये दोस्तों ये देखें ये लोगों को उसाने के लिए इन्होंने गाड़ियां भी दी, वक्ती दी और बाद में हमें पता लगा कि ये सब फेक था, ये देखिए इन्होंने पूरी कार्स बांटी थी, ये मियां एजाज और साथ ही जैदी अली जैदी इसका नाम है। दोस्तों ये कार दी थी इन्होंने, देखें आपके सामने ये सारा ये रूबी वगैरह के ऊपर और ये दोस्तों ये भी डिफॉल्टर बहुत ज्यादा, ये फ्लैटी होटल के अंदर सारी फंक्शन की पिक्चर है ये। दोस्तों ये क्या कमाई भी था इसका, क्रिप्टो कमाई MKT कमाई ने टोटल फ्लॉप है इस टाइम, वो पाकिस्तान की एक पैसे का भी एक नहीं है ये। दोस्तों ये देखें ये कैसे लोगों को मोटिवेट करते थे, इंतजार करने वालों को इतना ही मिलता है जितना कोशिश करते हैं। दोस्तों ये बिलाल जहूर जो डिफॉल्टर है 1 अरब 30 करोड़ का, ये उसके बैंक अकाउंट का मेरे पास स्क्रीन शॉट भी आया था और मेरे पास जो पेमेंट इनको गई है उनके स्क्रीन शॉट भी आ गए हैं। दोस्तों ये इनकम आफ्टर पैकेज लाइफ था पे डायमंड का इन्वेस्टमेंट का और ये कंपनी का जो एक नामी यानी जो एक नाम का यानी वक्ती लीडर था, वक्ती कार्लस ल्यूस। उसके अलावा दोस्तों ये कंपनी का आपको मैं कुछ दिखाऊंगा, अभी दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये आपको मैं दिखा दी है, बाकी दोस्तों इंशाल्लाह पार्ट टू के अंदर इसको मैं और एक्सपोज करूंगा और इनका मैं इनको नंगा करूंगा पूरा इंशाल्लाह ताला, हम जिसके पीछे पड़ते हैं वो कहीं का नहीं रहता। और इंशाल्लाह ताला मैं दोस्तों आपके भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट में जरूर करिए, मेरा इनबॉक्स भी यानी मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, उस पर आप शेयर कर सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं। दोस्तों
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और इंशाल्लाह करना दोस्तों ऐसी नॉलेज से हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।